हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रेसिपी माय टिप्स। आज हम बनाएंगे महाराष्ट्रियन तिखट दाल। तो तिखट दाल बनाने के लिए हमने राहर की दाल ली थी। राहर की दाल में अच्छे से धो लिया हमने और इसमें नमक, तेल और थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको उबाल लिया है। और मैंने 2 मीडियम साइज टोमेटो लिए हैं जिसे हमने काट लिया है, 1 बड़ी प्याज, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, नमक, हल्दी, जीरा और धनिया पाउडर, राई और लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी और गरम मसाला। तो अभी बनाने के लिए हम शुरुआत करते हैं। पैन में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। दो चम्मच तेल हमने ऐड कर दिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच राई डाल दी और 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। हमारी राई तड़कने लगी है तो अब हम इसमें प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। तो हमने कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज ऐड कर दी है। इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक के हम फ्राई होने देंगे। हमारी प्याज हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर, मैं 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने दाल में हल्दी डाल चुके थे, और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले डालते वक्त फ्लेम को कम कर देना है। और अब इसमें हम टोमेटो ऐड कर देंगे। हमने टोमेटो ऐड कर दिया है। और इसमें अब हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। मैं 1/2 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है और 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। और इसे अच्छे से टोमेटो गलने तक के पका लेंगे। हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं तो अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। हमने दाल ऐड कर दी है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे हम। अगर आप इसे गाढ़ी रखना चाहते हैं तो पानी थोड़ा कम ऐड कीजिए और इसे 1 से 2 बॉईल आने पे हम इसमें धनिया डाल देंगे। फ्लेम को बढ़ा दिए हैं। हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम हरा धनिया ऐड कर देंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच हरा धनिया लिया है। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे अब एक सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। हमारी महाराष्ट्रीयन तिखट दाल बनके रेडी है और हमने इसे धनिया से गार्निश किया है। आप भी इसे ज़रूर बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।